ओम नमः शिवाय। दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो बहुत ही खास है। इसमें किसी प्रकार का उपाय तो नहीं है, अपितु यह किसी वस्तु के बारे में है, किसी चीज के बारे में है। जैसा कि आप समझ गए होंगे, हमने कुछ समय पहले आप सभी को बता दिया था कि हम किस प्रकार की वीडियो अपलोड करने वाले हैं और आप सभी की डिमांड थी कि गुरुजी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करिए। तो हमने ये वीडियो अपलोड करी है और इसमें संक्षेप में बताए हैं कि क्या क्या लाभ होते हैं यदि असली ब्रह्म कस्तूरी आपके पास हो। तो सबसे पहली बात तो ये है, जिसके पास भी ब्रह्म कस्तूरी रहती है वह व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता। उसके पास कहीं ना कहीं से पैसे आते रहते हैं। ब्रह्म कस्तूरी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने पास रखे तो उसके जीवन में लक्ष्मी का सराबोर होता रहता है। यदि आप ब्रह्म कस्तूरी को पानी में भिगोकर उसका पानी पीते हैं तो उससे आपके शरीर को बहुत ऊर्जा मिलती है और नाना प्रकार के रोग ठीक होते हैं। ब्रह्म कस्तूरी अपने आप में एक चमत्कार है, एक औषधि है। ब्रह्म कस्तूरी को यदि आप एक हाथ में पकड़ते हैं तो उसकी सुगंध इतनी अधिक होती है कि वह आपके शरीर से होते हुए आपके दूसरे हाथ से आने लगेगी। ब्रह्म कस्तूरी की सुगंध कभी नहीं जाती। जब तक आपके पास ब्रह्म कस्तूरी रहेगी वह सुगंध आती रहेगी। यदि आपके रिश्तों में समस्या आ रही है किसी प्रकार की, या आपके घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो ब्रह्म कस्तूरी को पानी में रखिए और उसका पानी नित्य पीते रहिए। कुछ ही समय में इस प्रकार के परिणाम होंगे कि आप सोच नहीं सकते। आजकल के समय में ये दुर्लभ सामग्रियां मिलना बहुत कठिन है, लेकिन कहते हैं जहां चाह वहां राह। यदि आप इसे पाने के लिए आतुर हैं, इसे खोजेंगे तो आज नहीं तो कल अवश्य ये आपको मिलेगी जरूर। इसकी पहचान ये होती है कि इसमें से हमेशा खुशबू आती रहती है। यदि आप इसे जलाएंगे तो चिट चिट करके इसमें से आवाज आती है और यह चमड़े की गंध के साथ जलती है, यानी कि यह जलते हुए चमड़े की स्मेल आपको देगी। कहते हैं ब्रह्म कस्तूरी यदि पास हो तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, सखा बन जाते हैं। जिसके पास ब्रह्म कस्तूरी होती है उसका बटुआ कभी खाली नहीं होता। हत्था जोड़ी और सियार सिंगी के बाद अगर किसी चीज का नाम आता है तो वह ब्रह्म कस्तूरी है। कहते हैं कस्तूरी में भी कस्तूरी, ब्रह्म कस्तूरी। यदि आप एक साधारण कस्तूरी लेते हैं तो वह इतना फायदा नहीं देगी, ना ही उसमें खुशबू आती है, उसमें महक नहीं आती। यदि आप ब्रह्म कस्तूरी लेते हैं तो ही उसमें से खुशबू आती है, महक आती है। और ब्रह्म कस्तूरी की खुशबू अपने आप में बहुत ही तेज होती है, बहुत ही मन को लाभान्वित करने वाली होती है। यदि आपके विवाह संबंध में कोई समस्या आ रही है या आपके घर वाले आपके विवाह के बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, तो आप एक असली ब्रह्म कस्तूरी लीजिए और उसके पानी को पूरे घर वालों को पिलाइए। देखिए किस प्रकार चमत्कार होगा और सब आपकी बात मानने लगेंगे। यूं ही नहीं है, ब्रह्म कस्तूरी बहुत ही गुणकारी है, शारीरिक तौर पर भी और चमत्कारी तौर पर भी। यदि आपको डर लगता है तो ब्रह्म कस्तूरी के बीज काले कपड़े में बांध के अपने गले में ताबीज के तौर पे उसे इस्तेमाल करें, आपका डर दूर हो जाएगा।
यदि शरीर में किसी तरह की समस्या है तो ब्रह्म कस्तूरी के 7 बीज नीले कपड़े में बांध के अपनी बाजू पे बांध लें। उससे आपके शरीर में बहुत ऊर्जा आएगी। हर प्रकार की बीमारी से लड़ने की शक्ति देती है ब्रह्म कस्तूरी। यदि ब्रह्म कस्तूरी आपके पास है तो वशीकरण करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नित्य ब्रह्म कस्तूरी का पानी पीजिए और देखिए किस प्रकार से चमत्कार होते हैं। ब्रह्म कस्तूरी को यदि संभाल के रखा जाए, अच्छी जगह पर रखा जाए और नित्य ही उसके आगे अगरबत्ती लगाई जाए या धूप दी जाए तो इससे भी ऊर्जा प्रकंपन बनने लगते हैं और यह धीरे धीरे आपके काम बनाने लगती है। कहते हैं ब्रह्म कस्तूरी को अगर पैसों के बीच में रखा जाए तो इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है। ब्रह्म कस्तूरी में एक ऐसी ऊर्जा होती है जो और किसी भी चीज में नहीं होती। अगर आपको पैसों में नुकसान हो रहा है, आपके कोई भी काम नहीं बनते, तो मैं आपको इतना जरूर कहूंगा, कहीं से भी लें, कहीं से भी मंगवाएं, असली ब्रह्म कस्तूरी को अपने घर में एक ऐसी जगह रखें जहां पर आप पैसे रखते हैं, पैसों के बीच में उसको रखना है और उसके बाद देखिए किस प्रकार से लक्ष्मी का आवागमन होगा आपके घर में और कभी भी आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। बहुत चमत्कारी है और इसके इतने चमत्कार हैं कि मैं यदि बताने लग जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी। कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप इसे अपने पास रखिए और उसके बाद देखिए आपके जीवन में कितने ज्यादा परिवर्तन आते हैं। यदि आपके रिश्ते टूटते हैं तो आपको अपना शुक्र मजबूत करना चाहिए। शुक्र के लिए आपको सुगंध चाहिए और सुगंध ब्रह्म कस्तूरी से अच्छी और कहीं नहीं मिलेगी आपको। अर्थात यदि आप अपने पास ब्रह्म कस्तूरी रखते हैं तो आपके रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जब अगर आप उन्हें जानबूझकर तोड़ना चाहेंगे तो वह बात अलग होती है, लेकिन अपने आप से वह कभी नहीं टूटेंगे क्योंकि आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। और जब शुक्र मजबूत हो गया तो लग्जरी रिलेशनशिप यह सब आपके साथ हमेशा रहेगा। याद रखिए, जो भी ब्रह्म कस्तूरी अपने पास रखे उसे सात्विक होना पड़ता है। उसे महीनों पहले से ही भोजन अच्छा करना चाहिए। किसी भी प्रकार का मांस मदिरा से वह दूर ही रहे तो ही अच्छा है, अन्यथा ब्रह्म कस्तूरी अपना असर नहीं दिखाती। और ब्रह्म कस्तूरी की खुशबू कभी नहीं जाती, इसलिए यदि आप कहीं जा रहे हैं, अपने प्रेम का इजहार करने जा रहे हैं, पहली बार जा रहे हैं, तो ब्रह्म कस्तूरी को अपने पर्स में या अपनी जेब में रख के जाइए और उसके बाद देखिए आपकी रिलेशनशिप कभी नहीं टूटेगी। आप खुद और अपने साथी को ब्रह्म कस्तूरी को भिगो के उसका जो पानी है वो जरूर पिलाइए। इससे आपके रिश्ते बहुत मजबूत होंगे। और इतना ही कहना चाहूँगा कि हर वीडियो की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी एक साधिका की आवाज़ ज़रूर सुनाऊँगा और उनके क्या काम बने हैं वो भी खुद आपको बताएंगी। तो पहले सुनते हैं एक साधिका की आवाज़ कि उनके क्या काम बने हैं। वो बहुत ही नरेश नाराज थी, बहुत ही 3 साल में शादीकरण भीग बैठा मेरे और मैं बहुत ही दुखी थी। तो हाँ, तो मेरे को लड़ी बहुत ज्यादा ये काम हुआ कि वो लड़ी मेरे से कल आ गई। वो मेरा काम है मोर पंख खड़ा गया। अच्छा। हाँ, वो कल आकर मेरे से मिल कर गई और इधर रह कर गई मेरे पास आकर। अच्छा। नहीं तो मेरे को बोल दिया था बेटा के पास कभी आना ही नहीं, नहीं मैं तलाक कर जाऊंगी इससे गुरु जी। एक दिन छोड़कर दूसरे दिन में काम हो गया था। हाँ जी। क्या काम था आपका? मेरा काम देखो, मैं सबसे कहे मेरी बिल्कुल मेरी प्रॉब्लम दो ही है मेरे, बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मैं ये आपका यूट्यूब पर देखा था, तो मैं आपका प्रोग्राम देखा था। हाँ। तो मैं एक उपाय तो ये फोटो वाला कराया था, भाई मेरा फ्रेंड है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, सब कुछ दे दिया। हाँ। और मैं
कुछ भी नहीं चाहती, उसके बिना रह नहीं पाती। वो मेरे को देखो, मैं पैसा भी बहुत लुटा दिया उसको। अच्छा। और हाँ मैं रोती हूँ, फोन कम फोन करता है, मेरे से दूर नहीं गया। मैं ऐसे काम पर उसका नहीं, थोड़ा ऐसे ही चल रहा है वो। अच्छा, हमने फोटो रख रहा था उसका, फोटो रख रहा था जुत्ती के अंदर। अच्छा। ये 3 साल हो गया, बहुत नाराज थी, बहुत ही मेरे बात नहीं करती थी, 1 साल हो गया। अच्छा, फिर तो मैं मोर पंखा रोक रहा था मेरी गुप्ती फोटो। कैसे किया था ये बताइए गुरु जी। मैं ऐसे उसकी फोटो ले ली बड़ी, हाँ जी, मेरे पास एक फोटो मिली मेरे बेटा के साथ, वो बेटा की फोटो तो अलग कर दी, उसकी फोटो रख ली एक। हाँ जी, वो मोर पंख में उसकी चेहरा पर मिलाकर, और आखबार ने तो देखा था ना उसके ऊपर, आपका प्रोग्राम देखा था, और धागा होता है उसे धागा से प्लेट कर, उसको फोल्ड कर, लिफाफा में फोल्ड कर किताब के अंदर दाब दी उसको। अच्छा। हाँ जी, कितने दिन में फिर आपका काम बना? 3 दिन छोड़ता है, 30 दिन बन गया। अच्छा अच्छा, तो कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों को? हाँ जी, हाँ गुरु जी, मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ, और मैं अनपढ़ हूँ, आपको कोई मैसेज नहीं भेज सकती, आप मेरे को बात करिए। हाँ बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। तो हाँ जी, मतलब हाँ, आप यही कहना चाहते हैं कि काम बनते हैं, आपने जो किया वो बना? हाँ जी, काम बनते हैं गुरु जी। पर मेरा एक फ्रेंड बहुत दोस्त है उसके साथ, मैं उसी के लिए ये देख रहा आपका प्रोग्राम। वो भी बन जाएगा, वो भी काम बन जाएगा, आप बस ट्राई करिए, ठीक है? हाँ जी गुरु जी, मैं कोई प्रोग्राम, मेरे को थोड़ा अनपढ़ हूँ, मेरे को कोई कोई मंत्र आता नहीं है, तो मेरे को नुकसान तो नहीं है कोई? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, आप बस देखते रहिए, और आपको हम कॉल भी करेंगे जब समय मिलेगा तो, और आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है? हाँ जी गुरु जी, मेरा एक काम बन गया बहुत आपकी जी। मैं आपको बहुत गुरु माने, आपकी आवाज में मेरे को बहुत प्यार है जी, और जी। मैं कभी भी ऐसा विश्वास नहीं करे, मैं आपको विश्वास कर रहा हूँ गुरु जी। चलिए, और मेरा एक काम बन गया, मैं बहुत मैं कल की रो रही, बहुत ज्यादा रो रही थी, कल बहुत रो रही थी। अब रोने के दिन गए, अब आपको रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बस गुरु जी, मैं दो चीजों दुखी थी, एक तो मेरा काम हो गया, दूसरा भी हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, अगर एक हो जाएगा तो दूसरा भी हो जाएगा। हाँ, वो उसका भी बहुत रख रहा था, उसकी वो फोटो मेरे चप्पल के अंदर रख रखी हूँ। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, कुछ टाइम करिए इसको, प्रयोग को करिए, और फिर उसके बाद क्या रिजल्ट आता है जी, मैं दोबारा कर दूँ उसको, दोबारा करूँ? दोबारा करिए और मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट आए, ठीक है? अच्छा अच्छा, उसको निकाल दो फोटो को, क्या करूँ? हाँ जी निकाल दो। तो ये थी साधिका, जिनके काम बने और आपके भी काम जरूर बनेंगे। वीडियोस को फॉलो करिए और जो जैसा बताया जाए उसको उसी प्रकार से करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ में नहीं आती किंतु होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं भैंस काली है, चारा हरा खा रही है, दूध सफ़ेद दे रही है, ये क्या हो रहा है? अगर आप सोचते रहेंगे तो इसी चक्कर में उलझे रहेंगे, कुछ सोचिए मत, जैसा बताया जाए वैसा करिए। यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, भैंस काली है, चारा हरा खा रही है, दूध सफ़ेद दे रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है दूध पीने से सेहत बनेगी, और आपने पिया तो आपकी सेहत ज़रूर बनती है। उसी प्रकार से यदि कोई मंत्र बताया जाए उसको उसी प्रकार से जाप करिए, और देखिए आपके काम कितने जल्दी और कितने सहज तरीके से होते हैं। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वीडियोस को जितना हो सके शेयर और लाइक ज़रूर करिए, और अपने जितने भी सखा संबंधी, अपने दोस्त रिश्तेदार, जितने भी लोग आपके साथ संपर्क में हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनका भी भला हो सके। ओम नमः शिवाय।